सही नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधांशु। आप देख रहे हैं सीएस टेक। आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन देखा, अगर सोचा है कि भाई ये वीडियो मतलब एक क्लिक बेट है तो गाइस ऐसा नहीं है। और इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में बताऊंगा कैसे क्लिक बेट नहीं है और दूसरी चीज की स्पेक्स बताऊंगा मैं। सो गाइस चलिए इस वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अगर मैं बताऊँ क्लिक बेट कैसे नहीं है, तो ये क्लिक बेट ऐसे नहीं है मेरे और रोशन भाई के। अगर आप नहीं जानते रोशन भाई, रोशन शर्मा नाम से यूट्यूब पर सर्च करोगे 3 लाख सब्सक्राइबर है। तो मेरे और उनके जो है कुछ यूट्यूब चैनल चल रहे हैं यूएस में, जो काफ़ी सारे रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं हमें। और उसी से जो है मैंने ये हमारा मतलब पकड़ के ना फील आ रही है भाई, परचेज किया है ये यूट्यूब मनी से। देख सकते हो कितना प्यारा है ना, एकदम बढ़िया। सो गाइज अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की। ये स्पेसिफिकेशंस के साथ है, i7 प्रोसेसर है इसमें, 8 GB की रैम नहीं है, 16 GB की रैम है इसमें। और उसी के साथ साथ 16 इंच मॉडल है, मैकबुक प्रो 16 इंच कहते हैं, 16 इंच मॉडल है ये। i7 प्रोसेसर है, 500 GB की SSD इसमें जनरली आती है, बट मैंने जो है इसे अपग्रेड करके जो है 1 TB करवा लिया है। एंड उसके अलावा बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, तो यार डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है। मतलब अगर आपको मूवीज़ देखनी है या आपको प्रोग्रामिंग करनी है या आपको मेरी तरह फेसबुक एड्स चलानी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब डिस्प्ले एकदम झकास है, कुछ भी करो। सो गाइस मैंने इसको जो है एंड्रॉइड 11 में यूज़ किया। और भैया लैपटॉप हीट सभी होते हैं, बट इन महाराज जी ने क्या परफॉर्मेंस दिया। मतलब बोलते हैं तपते हुए भी एकदम अच्छा परफॉर्म किया है ये लोग, तो मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया लैपी। और उसी के साथ साथ मैंने जो है कुछ स्टॉक फुटेजेस डाउनलोड करी थी टेस्ट करने के लिए कि 4K पे कैसा इसका जो है वो रेंडरिंग टाइम है, एडिटिंग कैसी होती है। तो मतलब मैंने 2 लेयर्स तक एडिटिंग इसकी स्मूथ हो रही थी। एंड थोड़ा सा लैग मुझे देखने को मिला जब मैं ट्रिपल लेयर यूज़ कर रहा था, कुछ पर्टिकुलरली ज़्यादा अच्छे से कलर ग्रेड कर दिया, कुछ मैंने पर्टिकुलर की फ्रेमिंग जैसे यूज़ करी है, तो हल्का सा लैग आ रहा था, बहुत माइन्यूट लैग। और भाई 4K 60 FPS, 4K 120 FPS पे मुझे थोड़ा सा लैग देखने को मिला था जब मैंने 3 लेयर्स को कंबाइन किया था। अगर थोड़ा टेक्निकल हो रहा है तो आप इस पार्ट को छोड़ सकते हो। एंड उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ इसमें मिस बेसिक जो डे टू डे वर्क है वो तो ऑब्वियसली अच्छे होंगे ही होंगे, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव वाला लैप ही है ये। सो यही चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ क्यों ना शेयर करी जाएँ। और इसका जो कीबोर्ड है वो भी मुझे काफ़ी टैक्टाइल लगा। और जो 13 इंच मैकबुक प्रो आता था पहले, फिर टच बार वाला, उसमें आता था बटरफ्लाई कीबोर्ड और वो इतना गंदा कीबोर्ड था। मैंने अपने रोशन भाई का टेस्ट किया था, यार किच किच की आवाज़ कर रहा है इसमें। मतलब सस्ते वाले बटन नहीं होते, वो खिलौने में लगे होते हैं, जो वैसे आवाज़ करता था। तो इसमें वो चीज़ रिमूव कर दी एप्पल ने, धन्यवाद। पहली बार ही आपने कुछ अच्छी चीज़ लाई है और गलत चीज़ रिमूव करी है, नहीं तो आप कभी एयरफोन जैक हटा देते हो। अब बोल रहे हैं भैया iPhone 12 में तो चार्जर और केबल नहीं है ये। मतलब नहीं 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 क्या है ये। सो थैंक यू एप्पल, पहले आपने वो कीबोर्ड हटाया। और भैया एक काम करो, अब हेडफोन जैक जो आपने फालतू में हटा दिया उसे भी डाल दो, और अगली बार से केबल हटाई ना तो हमारे से बुरा कोई ना हो, ठीक है गाइस। अब तो यार इंडिया में बना रहे हो तुम, क्या सीन पानी अब तो। सो गाइस ये थी कुछ ओपिनियंस जो मैंने आपको शेयर करनी थी इस प्यारे बच्चे के बारे में जो मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया है। एंड अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपको मतलब देखना है और अपनी आंखें सेकनी है तब भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आपको परचेज़ करना है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लिंक से परचेज़ ना करो, आप जो है डायरेक्टली नियर बाई एप्पल स्टोर पर जाओ और वहाँ से परचेज़ करो। क्योंकि एप्पल में मैं रिकमेंड किसी को नहीं करता कि मुझे एफिलिएट के चक्कर में किसी का नुकसान हो जाए। तो गाइस आप जाओ और डेफिनेटली शॉप से परचेज़ करो, एप्पल स्टोर से। और मैं मिलता हूँ ऐसे किसी वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।